पुष्पा द राइस की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अल्लू अर्जुन को हिंदी भाषी दर्शक भी पहचानने लगे हैं और उनकी लोकप्रियता में बहुत इजाफा हुआ है। यही कारण है कि उनकी सफल फिल्म आला वैकुंठ पुरमुलु को हिंदी में डब कर रिलीज किया जा रहा है। वैसे यह मूल भाषा में हिंदी सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आला वैकुंठ पुरमुलु की कहानी बरसों पुरानी है। बच्चों की अदला बदली वाला खेल तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने से चला आ रहा है। यहाँ पर एक बदमाश नौकर अपने मालिक के बेटे से अपना बेटा पैदा होते ही बदल देता है ताकि उसका बेटा अमीरों की जिंदगी जी सके। दोनों ही बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे। मालिक के बेटे को वह हिकारत से पालता है लेकिन यह बेटा बेहद होशियार और चालाक रहता है। इस कहानी का अंत तो सभी को पता ही है कि नौकर की इस हरकत का भेद खुलना ही है, लेकिन शुरुआत से अंत के बीच का जो ड्रामा है वो काफी एंटरटेनिंग है। स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि यह आपको डेविड धवन और गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों की याद दिलाता है। एक देखी दिखाई कहानी पर स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है वो काफी नयापन लिए हुए है। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, कॉमेडी का पुट है, हीरो एक्शन और रोमांस भी कॉमेडी करते हुए करता है। कई सीन अच्छे से लिखे गए हैं जो लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। फिल्म में सिनेमा के नाम पर छूट ली गई है और बात कहने में वक्त लिया गया है, लेकिन मनोरंजक दृश्यों का लगातार प्रवाह बना रहता है जिससे आप इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासन का प्रस्तुतिकरण अच्छा है। उन्होंने पूरा फोकस अल्लू पर रखा है। हर फ्रेम में अल्लू नजर आते हैं और उनके इर्द गिर्द कहानी, किरदार, एक्शन और गाने रखे गए हैं। अल्लू निराश भी नहीं करते हैं। अल्लू के किरदार को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। अपने पिता से अनबन, फिर नौकरी के लिए सिलेक्ट होना, वहां पर बॉस के साथ रोमांस करना, फिर अपनी असलियत जानना, अपने असली माता पिता से मिलना, उनको राज बताए बिना विलेन से पंगा लेना, हर सीक्वेंस में अल्लू छाए हुए हैं। वह हैंडसम लगे हैं और ओवर द टॉप रहकर भी उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से पेश किया है कि वह दर्शकों को अच्छा लगता है। फिल्म कुछ जगह फोड़ लगती है, खासतौर पर अल्लू और उसकी बॉस का जो रोमांस है उसमें अल्लू का लगातार उसके पैरों को घूरना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कई सीक्वेंस मनोरंजक हैं, जैसे अल्लू का कॉन्फ्रेंस में मेज पर खड़े होकर गानों के जरिए अपनी बात कहना। पुलिस ऑफिसर और अल्लू के बीच भी कुछ सीन हैं जो काफ़ी इंटरटेनिंग है। विलेन को उसकी जगह पर जाकर मजा चखाना और अल्लू और उसके नाना के बीच के जो दृश्य हैं वो भी काफ़ी इंटरटेनिंग है। अल्लू अर्जुन ने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर उठाया है। एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, रोमांस सब में वे छाए हैं। उनका डांस शानदार है, पूजा हेगड़े सुंदर लगी है और जितने भी सीन उन्हें मिले हैं उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। बुल्ली शर्मा ने अपने कैरेक्टर को एक खास मैनरिज्म दिया है और कमाल का काम किया है। जयराम, तब्बू, सचिन खेड़ेकर, राजेंद्र सहित सारे कलाकारों ने खूब साथ दिया है। हिंदी वर्जन में गाने जरूर अपना थोड़ा असर खोते हैं, लेकिन उनका जो पिक्चराइजेशन है वो आंखों को सुकून देता है। हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आला वैकुंठ पुरमुलु को वक्त दिया जा सकता है।